बड़ी खबर आ रही बिहार से। 16 नवंबर को नीतीश कुमार की ताजपोशी हो सकती है। दिवाली के बाद भाई दूज के दिन नीतीश कुमार दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार सीएम पद की सातवीं बार शपथ लेंगे। आपको बता दें कि कल देर रात जेडीयू कोर कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में सरकार के गठन पर चर्चा भी हुई थी। खबर ये थी कि आज शाम 4 बजे नीतीश पार्टी दफ्तर जाएंगे और नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी नेताओं से अनौपचारिक भेंट भी करेंगे। इस वक्त हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 4 तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का भाषण, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के को दिए गए वचन के संकल्प की सिद्धि करेगा एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। इसके बाद नीतीश कुमार की तरफ से बाकायदा ट्वीट आया, उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन दिया। इसके अलावा तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर आभार व्यक्त किया, लोगों का, जनता का और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र जुड़ गए। जैनेन्द्र, रात में देर रात तक बैठक चली और बैठक में क्या तय हुआ? बिल्कुल विकास जी, सूत्रों के मुताबिक बीती रात देर रात तक नीतीश कुमार के आवास पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसे हम कोर कमेटी की बैठक भी कह सकते हैं। जिस बैठक से ये खबर छन करके बाहर आई है कि 16 तारीख वो दिन है जिस दिन नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि आधिकारिक सूचना का इंतजार है, लेकिन सूत्रों ने जो बताया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार 16 तारीख को, दिवाली के 2 दिन बाद, जैसा आपने बताया दर्शकों को, भाई दूज के दिन 16 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ सातवीं बार ले सकते हैं। और उसके पहले आज शाम 4 बजे वो जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे, जहां पर कि नवनिर्वाचित विधायक जेडीयू के जो हैं उन्हें पहुंचने को कहा गया है और उनके साथ एक अनौपचारिक मुलाकात नीतीश कुमार की होगी। हालांकि इसके बाद विधायक दल की बैठक की तारीख कब होगी इसका इंतजार है और आधिकारिक मोहर का इंतजार है शपथ ग्रहण समारोह की। और उम्मीद यही है, संभावना यही है कि शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो बहुत सादा होगा, क्योंकि कोरोना का वक्त है। तो ऐसे में सादे समारोह में 16 नवंबर को भाई दूज के दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं, जो कि उनका सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के तौर पर शपथ ग्रहण होगा। जी विकास जी।